여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों दुनिया भर में बांगतन बॉयज की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है जितनी शायद ही किसी अदर K-pop ग्रुप की हो। यही रीजन है कि जब भी हमारे किसी भी BTS मेंबर का बर्थडे होता है तो आर्मी उसे किसी फेस्टिवल की ही तरह सेलिब्रेट करती है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि कल 13 अक्टूबर को हमारे बेबी मोची यानी जिमिन का बर्थडे होता है, जिसके सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस बर्थडे को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया है 15 अक्टूबर को होने वाले BTS कॉन्सर्ट ने, जिसके लिए दुनिया भर की आर्मी पहुँच गयी है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि जिमिन के बर्थडे और 15 अक्टूबर को होने जा रहे इस कॉन्सर्ट के लिए कोरिया को किस तरह डेकोरेट किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लास्ट मंथ जंगकुक और आरएम के बर्थडे पर पूरे सीएल को डेकोरेट किया गया था, और ऐसे ही जिमिन के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए पूरे सीएल में जिमिन के होर्डिंग्स बैनर्स के साथ साथ LED डिस्प्ले लगाए गए हैं। दोस्तों जिमिन बुसान से बिलोंग करते हैं और बुसान में ही BTS कॉन्सर्ट होने जा रहा है, इसलिए बुसान के पोर्ट ब्रिज को बुसान प्रिंस डॉल से डेकोरेट किया गया है जिसे चाइना के एक फैन बेस ने अरेंज किया है। और इसी पोर्ट पर जिमिन का स्ट्रीट मूरल बनाया गया है जो इस प्रिंस डॉल की तरफ जाने का इंडिकेट करता है। और इसी तरह सियोल के योंगदो 7-स्टोरी बिल्डिंग कल्चरल सेंटर पर फर्स्ट टाइम जिमिन का लार्ज साइज का होर्डिंग लगाया गया है जो कि जिमिन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लगाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस बिल्डिंग पर इससे पहले किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी होर्डिंग नहीं लगाया गया था। इसके अलावा चाइना के ही एक और फैन बेस ने जिमिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए कैफे इवेंट अरेंज किया जो कि चाइना की 28 सिटीज में थीम मेंटेन करते हुए जिमिन के 28th बर्थडे को ध्यान में रखते हुए किया गया। और इसी तरह जिमिन के बर्थडे को स्पेशल बनाते हुए कोरिया के एक फैन बेस ने 200 मीटर डबल साइडेड सुपर लॉन्ग बॉल विद जाइंट जिमिन स्टिकर को फुल मंथ कोरिया में डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों सियोल के मोस्ट पॉपुलर प्लेस सिंचोन में शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहां जिमिन के डिस्प्ले लाइट्स ना दिखाई दें। इसके अलावा बस स्टैंड्स पर भी जिमिन के डिस्प्ले होर्डिंग्स लगाए गए। वहीं अगर सियोल मेट्रो और गंगनम स्टेशन की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी वॉल हो जिस पर जिमिन की पिक्चर्स नजर न आए। और जैसा कि आप यहां देख ही पा रहे हैं, वेल सियोल और बुसान को जिमिन के बर्थडे पर जैसे डेकोरेट किया गया है उसे देखकर तो मैं यही कह सकती हूं कि जो लोग अभी सियोल और बुसान घूमने गए हैं उनसे ज्यादा लकी कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and sarangyo.